अगर आप राम भक्त हैं और श्री राम से जुड़े धार्मिक स्थलों पर घूमना चाहते हैं तो भारतीय रेलवे आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। गाइस, ये देश की पहली ऐसी ट्रेन है जो दो देशों को जोड़ने का काम भी करेंगी। ये ट्रेन भारत के 8 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में ही नहीं नेपाल घूमने का मौका भी देंगी। आप यूपी के अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर, हनुमानगढ़ी, भरत हनुमान मंदिर, भरत कुंड और सरयू घाट जाएंगे। इसके बाद ये ट्रेन नेपाल के जनकपुर में श्री राम जानकी मंदिर जाएंगी। इसके बाद बिहार के सीतामढ़ी में आपको जानकी मंदिर और पुराना धाम घूमने का मौका मिलेगा। इसके आगे बक्सर में आप रामरेखा घाट, रामेश्वर नाथ मंदिर, वाराणसी का संकट मोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, भारद्वाज आश्रम, हनुमान मंदिर और विश्वनाथ मंदिर घूमने का मौका मिलेगा और वहाँ की गंगा आरती देखने को मिलेंगी। उसके बाद प्रयागराज, सीतामढ़ी, गंगा यमुना संगम और हनुमान मंदिर के श्रद्धालु दर्शन करेंगे। इसके बाद आप श्रृंगवेरपुर में रामचौरा श्रृंगी ऋषि आश्रम और रामघाट जाएंगे। इसके बाद ट्रेन चित्रकूट जाएंगी। वहाँ आपको सती अनुसुईया मंदिर, गुप्त गोदावरी और रामघाट के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। आप हम्पी, अंजानद्री पहाड़ी और विरूपक्षा मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके बाद आपको रामेश्वरम रामनाथ स्वामी मंदिर और धनुषकोड़ी गांव घूमने को मिलेगा। इसके बाद कांचीपुरम विष्णु कांची, शिवा कांची और कामाक्षी अम्मान मंदिर के दर्शन श्रद्धालु करेंगे। आखिर में आप भद्रांचलम में श्री सीताराम स्वामी मंदिर और अंजनी स्वामी मंदिर के दर्शन करेंगे। यह पूरी यात्रा 8000 किलोमीटर की है और ये यात्रा दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से 21 जून को शुरू होंगी। ये यात्रा 18 दिनों तक चलेंगी। इस ट्रेन में 600 यात्री ट्रेवल कर सकते हैं। बैटरी कार की भी सुविधा मिलेंगी। ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा के लिए गार्ड भी मौजूद होंगे। इस ट्रेन की बुकिंग आप IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर करवा सकते हैं। यात्रा के लिए आपको 62,370 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट देना होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।